नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। आज सिरसा जिला के अंदर 28 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। उनमें से बताया जा रहा है कि 15 कोरोना पॉजिटिव केस जो है वो व्यक्ति मुंबई जैसे बड़े शहरों से यहाँ सिरसा के अंदर आए हैं, उनके सैंपल लिए गए थे। वहीं एक बड़ी बात ये आ रही है कि उसके अलावा जो भी केस आए हैं वो यहीं लोकल के ही हैं। अलग अलग उनका एक लिस्ट भी जारी की गई है और अलग अलग एरिया के हैं, और उस लिस्ट के अंदर दो युवक माखोसरानी गांव के हैं। माखोसरानी जो कि चोपटा थाना के अंतर्गत गांव आता है, और यहां पर जो दो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, मुकेश और राजेश, ये दोनों सगे भाई हैं। और इनको एक लड़ाई झगड़े के मामले में 29 तारीख को, यानी कि 29 मई को चोपटा थाना पुलिस ने उनको कोर्ट में पेश किया था, और कोर्ट में पेश करवाने से पहले उनका एक सैंपल लिया गया था, कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव है इसका टेस्ट करवाने के लिए उनका सैंपल लिया गया था, और उसकी आज रिपोर्ट आई है। तो यानी कि ये दोनों सगे भाई हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इनकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पड़ताल कर रहा है, और सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो यही है कि इनकी कोई बाहर की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, और दोनों भाई हैं वो अलग अलग रहते हैं। और अब जिनके साथ इनका संपर्क में आए हैं, जिन जिन लोगों के, उनकी भी पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि इनके पड़ोस के अंदर एक डेथ भी हुई है 2 दिन पहले, तो उसमें उनके संस्कार में वो शामिल हो चुका है। उसमें से एक जो भाई है वो संस्कार में शामिल हो चुका है, उसके परिवार के सदस्य भी वहाँ गए थे। तो ऐसे में एक चिंता की बात है कि इस मामले के अंदर किस तरह से स्वास्थ्य विभाग कैसे इसकी इंक्वायरी करती है, कैसे इसकी जांच कर पाते हैं कि किन किन लोगों से मिलते हैं, और क्या ये आंकड़ा जो आज 28 आया है वो बढ़ेगा या यहाँ तक ही सीमित रहता है, ये जाँच का विषय रहेगा। लेकिन चोपटा के अंदर पहले ये मामले आए हैं। चोपटा सिरसा जिला का ही कस्बा है, और यहाँ पर पहले एक साथ जो दो मामले आए हैं वो पहला मामला आया है। इससे पहले एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो एक एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में अब तक एक ही मामला था जो कि एलनाबाद शहर से था, तो ये अब दो और मामले सगे भाइयों के रूप में मकसूरानी गाँव में आए हैं। इसके अलावा और भी कई मामले हैं, उनकी भी पूरी डिटेल जो है वो जारी हो चुकी है। CMO सिरसा ने भी अपने तरफ से एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एहतियात बरतें, घरों में रहें, बाहर ना घूमें, तो इस तरह की एहतियात भी बरती जा रही है। वहीं पूरी डिटेल में CMO ने क्या कहा है वो भी आप जरूर सुने। आज कुल मिलाकर के 28 केसेस हमारे सिरसा ज़िले में आए हैं, और ये बड़ा खेद का विषय भी है और चिंता का विषय भी है। और इसमें से 15 जो लोग हैं वो मुंबई से आए हैं, और बाकी जो लोग हैं वो गुड़गांव से हैं, हैदराबाद से हैं, पटियाला से हैं, चंडीगढ़ से ट्रैवल हिस्ट्री हैं, बाकी वो लोग यहाँ आए हैं और उनके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हम ट्रेसेस कर रहे हैं। और हमारे एक डेंटल असिस्टेंट हैं वो भी पॉजिटिव आई हैं, वो यहाँ MC कॉलोनी में रहती हैं। बाकी डबाड़ी में एक नाजर आए हैं, और एक कंटेनमेंट जोन के अंदर जो था एक पर्सन वो भी पॉजिटिव आया है। बाकी इनके सभी कॉन्टैक्ट्स की हम जानकारी लेके डिटेल हिस्ट्री ले रहे हैं। इसके लिए 11 कंटेनमेंट जोन हम सिरसा में बना रहे हैं, और अभी माननीय उपायुक्त महोदय के साथ में मीटिंग रखी गई है वॉर रूम में, और आगे की जो भी नीतियां बनेगी वो हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। आपके विभिन्न चैनल्स के माध्यम से मैंने पहले भी अपील करी है, आप दोबारा भी अपील करता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और मुंह पे मास्क पहन के जाएं, और अनावश्यक रूप से बाहर ना ही जाएं, और कुछ जो बच्चे हैं जो मोटरसाइकिल पे डबल ट्रिपल राइड कर रहे हैं वो ऐसा करने से बचें, क्योंकि बाहर से आप कोरोना को अंदर लेके आएंगे, अंदर कोरोना अपने आप नहीं आएगा। और घर में कोरोना आने के पश्चात वो किसको इन्फेक्ट करता है, किसको प्रॉब्लम करता है, ये बात आपको भी पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता है। तो आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और फिर समाज का ख्याल रखें। ये बार बार हर जगह पर आप इसको बात को पहुंचानी है आप लोगों ने, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से ये बात ज़्यादा अग्रसित हो पाएगी सरकार की, और सरकार क्या सभी हम चिंता का विषय है कि इतने दिन हम ठीक रहने के बाद अचानक से इतने केसेज आ जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये सिरसा ज़िले के लिए बड़ी खेद की बात रहेगी, और सभी लोग इस जो डायरेक्शंस जो सरकार ने दी हैं उन डायरेक्शंस का बिल्कुल पालन करें, तभी हम लोग इस बीमारी से बच पाएंगे। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे अस्पताल कोरोना के मरीजों से भर जाएंगे।
तो अब अपनी न्यूज के माध्यम से हम भी अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समय अपने घरों में रहें, और विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी ये जो मामले बढ़ रहे हैं ऐसे में बड़ी चिंता की बात है, इसलिए गांव के अंदर ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें, अपने अपने घरों में रहें। अपनी न्यूज के लिए कैमरामैन संदीप वर्मा के साथ हनुमान पुनिया।